दोस्तों नीदरलैंड के खिलाफ पहली ओडीआई मुकाबले में किंग बाबर ने रच दिया इतिहास। एक साथ बना डाले चार इतिहास वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये इतिहास रिकॉर्ड बनाने वाले किंग बाबर बने दुनिया के पहले बल्लेबाज। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी सब कुछ बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं किंग बाबर आजम के फैन तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नीदरलैंड के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान को 16 रन पे जीत मिली। पाकिस्तान की जीत में फखर जमान ने कमाल किया और अपने वनडे करियर का 7वां शतक ठोक कर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई। वहीं आपको बता दें कि फखर जमान ने 109 गेंदों पर 109 रनों की पारी खेली। इसके अलावा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने 85 गेंदों पर 74 रनों की शानदार पारी खेल के टीम के स्कोर को 314 रन पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। बाबर का वनडे में यह 14वां अर्धशतक है। आपको बता दें कि भले ही बाबर इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और शतक जमाने पर चूक गए लेकिन उन्होंने एक खास रिकॉर्ड बना दिया है। जी हां दोस्तों, बाबर अब वनडे में 88 पारी के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो वहीं बाबर ने अब तक अपने वनडे करियर में कुल 88 पारी खेली है और इस दौरान कुल 4516 रन बनाने में सफल हुए। ऐसे में ऐसा कर बाबर ने एक बार फिर हासिम अमला और विराट कोहली और विविन रिचर्डसन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के हासिम अमला ने अपने वनडे करियर की शुरुआत 88 वनडे पारी खेलने के बाद कुल 4473 रन बनाए थे। तो वहीं विविन रिचर्डसन ने अपने पहले 88 वनडे पारी के बाद 4038 रन बनाने में कमाल किया था। तो वहीं इसके अलावा साई होप ने अपने वनडे करियर की शुरुआती में 88 पारी खेलने के बाद 4026 रन पूरे किए थे। तो वहीं विश्व क्रिकेट के विराट कोहली ने अपने करियर में पहले 88 पारी में कुल 3886 रन बनाने का कमाल किया था। और ऐसे में यानी कि एक बार फिर बाबर ने विश्व क्रिकेट के चार बड़े बल्लेबाजों को पछाड़ दिया है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है किंग बाबर आजम के बारे में, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।